हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास के वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने शुरू किया था और आपको मैंने डाइजेशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई थी और हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन दोनों के बेस पे ही कम्प्लीट होता है। और ऑर्गन्स में हमने माउथ पढ़ा था, बकल कैविटी पढ़ी थी जिसमें टीथ, टंग और पैलेट के बारे में आपको बताया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आज की टॉपिक है स्टमक। आज हम स्टमक के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टमक का क्या रोल है डाइजेशन में। इतना तो आप सबको पता है कि स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो भी फूड इंगल्फ करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में पचना शुरू होता है, उसका डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू होता है ना। तो डाइजेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि स्टमक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टमक का यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या है जो आपको कंसीडर करनी है। सबसे पहला, स्टमक जो है इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक के बारे में बताया गया कि ये जो होता है ये एक अल्फाबेट जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट यू कैन सी इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इट इज जे शेप्ड। ठीक है, दूसरा बताया गया कि स्टमक जो होता है जब खाली है, जब आपका स्टमक एम्प्टी है, तो एम्प्टी स्टमक जो होते हैं हमारे, एम्प्टी स्टमक की अगर हम बात करें तो इसकी वॉल्यूम जो होती है वो 50 ml बताई गई है। ठीक है, जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो इसकी वॉल्यूम कितनी ली गई है, 50 ml ली गई है। बोला गया कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा स्टमक जो होता है 1 to 1.5 liter, ठीक है, इतना एक्सपैंड कर सकता है। मतलब अगर हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन है, जितना आपको फूड लेना है उसके अकॉर्डिंग ये अपने एक्सपेंशन को, ये अपने आप को बढ़ा सकते हैं साइज में 1 से 1.5 लीटर तक। लेकिन जो लास्ट है ऑप्टिमम कंडीशन, यानी कि जो आखिरी एक्सपेंडेबल कंडीशन है, तो ये जो है अप टू लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर तक एक्सपैंड हो सकते हैं। यानी कि इनकी जो एक्सपेंशन होती है वो 4 लीटर तक ही हो सकती है। ठीक है, तो जे शेप्ड ऑर्गन एम्प्टी स्टमक है तो 50 ml उसका वॉल्यूम बताया गया है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये अपने आप को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, ये दोनों जो रिलेटेड लिखा है मैंने, ये इनके एक्सपेंशन से रिलेटेड लिखा है। मतलब कितना फैल सकते हैं, ये कितना एक्सपेंड हो सकते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल आदमी जो खाना खाता है, जो नॉर्मल डाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग 1 to 1.5 liter एनफ है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं, दे आर समथिंग वोरेशियस ईटर्स, वो कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा फूड, कहीं शादी पार्टी में कुछ ज्यादा ही उन्होंने खा लिया, या फिर कोई फेस्टिवल है तो मूड है फिर कुछ ज्यादा खा लिया। तो लास्ट से लास्ट आप अपने पेट को कितना ज्यादा एक्सपैंड करा सकते हो, दैट इज 4 लीटर। उससे ज्यादा आपके पेट की कैपेसिटी नहीं है, तो आप उससे कम ही खाओ तो ज्यादा बेटर है। तो 4 लीटर तक इनका एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आपको बताया गया कि फूड पाइप होती है, मैंने माउथ, बकल कैविटी और स्टमक के बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ईसोफेगस, जो कि आप सब बच्चे जानते हैं, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि फूड पाइप में ज़िगज़ैग मूवमेंट में फूड, हमारे फूड बॉवेल्स जो होते हैं वो, जिनको हम निगलते हैं, तो वो ईसोफेगस से पास होते हैं और पास होकर आकर वो ईसोफेगस होते हुए स्टमक में आते हैं। ठीक है, तो स्टमक ईसोफेगस की ओपनिंग, जहां पे ईसोफेगस जो है वो स्टमक में जहां पर ओपन हो रहा है, दैट ओपनिंग इज नोन एज कार्डियक। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टमक के जहां पे ईसोफेगस ओपन हो रहा है, जहां पे आपके फूड बॉवेल्स आएंगे, दैट पार्ट इज नोन एज कार्डियक पार्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे कार्डियक पार्ट पे स्फिंक्टर लगा होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। जब फूड बॉवेल का प्रेशर होगा तब वो स्फिंक्टर ओपन होते हैं और फूड बॉवेल्स जो है वो हमारे स्टमक के अंदर आते हैं। तो दैट स्फिंक्टर इज नोन एज, बेसिकली हम इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, इट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। ऐसे ये जो पार्ट है स्टमक का जहां पे फूड बॉवेल्स आएंगे ईसोफेगस से, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डोम शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इट इज लाइक डोम शेप, ठीक है, गुंबज के जैसा डोम शेप स्ट्रक्चर, जो कि हमारे ईसोफेगस से लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिख रहा है। तो ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर, इसको हम फंडिंग पार्ट कहते हैं, दिस इज नोन एज द फंडिंग पार्ट। ये स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, थोड़ा सा स्टमक के एरिया को बढ़ा देता है। तीसरा, जो 70 से 80%
70-80% जो पार्ट हमारे स्टमक का सबसे ज्यादा फंक्शनल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है हमारा बॉडी पार्ट। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में हमारा डाइजेशन जो होता है ना वो पूरा होता है। तो डाइजेशन पूरा किस पार्ट में होता है? बॉडी पार्ट। आखिरी पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पे स्टमक की एंडिंग हो रही है, दैट पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक जैसे आगे आपके पतला हो जाता है, यहाँ पर एक ओपनिंग दिखती है आखिरी, यानी कि जब पाइलोरिक पार्ट आगे आके थिन होने लगता है, तो उस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। दैट इज नोन एज एंट्रम और पाइलोरिक एंट्रम, वी कैन से दैट। पाइलोरिक एंट्रम के बाद से जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ड्यूडेनम की शुरुआत हो जाती है, और ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यानी कि हमारा जो फंडिक पार्ट है, इट इज डोम शेप्ड, ठीक है। इसके लिए जो मेन टर्म है वो है डोम शेप्ड, ठीक है। कार्डियक पार्ट है, ये फूड बॉबल्स को कैच करता है, यही है जो फूड बॉबल्स को कैच करता है। बॉडी पार्ट, यहाँ पे डाइजेशन और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसी पार्ट में डाइजेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब इस पार्ट में होते हैं। और पाइलोरिक जो है, इट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है जो जाके ओपन होता है बाय द हेल्प ऑफ एंट्रम इनटू द ड्यूडेनम, जो जाकर ड्यूडेनम में खुलता है। तो ये हमारे स्टमक के चार फंक्शनल पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50 ml, देन 1 to 1.5 liter, देन 4 liter हार्डली, और उसके बाद से हमारा ये स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, जो कि है हमारे स्टमक के लेयर्स के बारे में। हमारा जो स्टमक होता है उसमें कुछ मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपके क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टमक के पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, और मेनली स्टमक का काम पढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ी जानकारी एडिशनल, ताकि आपको आगे भी एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, जो कि है हमारा मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं हमारे वॉल के बारे में, ठीक है। यानी कि वॉल, यहाँ पे हम हेडिंग कर लेते हैं वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के वॉल कौन कौन से हैं? सपोज कीजिए यहाँ से आपने इतने पार्ट का TS बनाया, वी हैव कट इट द पार्ट ऑफ स्टमक। मैंने इतने दूर के स्टमक के एरिया को इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल लिया है, ठीक है। तो बताया गया कि स्टमक जो होता है वो बेसिकली 4 layers का बना होता है। हमारा स्टमक का काम तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके अंदर बेसिकली 4 layers होते हैं। ऐसे तो ये टॉपिक अलग से भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर आपको सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ बेसिक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली स्टमक में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि सबसे बाहर जो आप लेयर देख रहे हैं, जो मैंने सबसे बाहर बनाई है, That is known as outer serous, ठीक है। आप इसको serous कहिए या serosa कहिए, that is the similar thing. This is outer serous, और हम इसको peritoneum भी कहते हैं, it is also known as peritoneum, ठीक है। तो ये सबसे बाहर रहने वाली layer है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर present है। उसके बाद से हम आते हैं हमारे next part में, that is the second layer. आप ये जो second layer देख रहे हैं, दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज मस्क्यूलर, मस्क्यूलर लेयर, या हम इसको मस्क्यूलरीज भी कह सकते हैं, इट इज नोन एज मस्क्यूलर लेयर। ये मस्क्यूलर लेयर जो होती है, ये हमारी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। वॉट इट इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के अलावा इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मस्क्यूलर लेयर की बात करें, तो बताया गया कि इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स और भी प्रेजेंट हैं। सपोज 2-3 layer इसके अंदर और भी प्रेजेंट होता है, यानी कि एक मस्क्यूलर लेयर के फॉर्मेशन में 3 तरह के मसल्स जो होते हैं, 3 तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिम्मेदार है, मतलब जो मिल करके इस चीज को मस्क्यूलर लेयर बनाता है, ठीक है। वो तीनों पार्ट क्या है, जब हम इस मस्क्यूलर लेयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, तो वहां आपको डायग्राम के साथ शो किया जाएगा। अभी बस आप इतना समझो कि मस्क्यूलर लेयर जो है वो 3 additional टिश्यू से मिलके बना होता है। पेरिटोनियम इज अ सिंगल लेयर, ये अकेला होता है, लेकिन मस्क्यूलर लेयर में 3 additional लेयर्स होते हैं, जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, तीसरा लेयर बताया गया, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा,
तीसरी जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये जिस टिश्यू का बना होता है इसको हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल्सो। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, ठीक है। चौथा जो लेयर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, इट्स लाइक दिस। ये जो आप लेयर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं म्यूकोसा। दिस इज नोन एज म्यूकोसा। और म्यूकोसा लेयर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्या? नंबर वन, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल इनके पास होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। तो म्यूकोसा के द्वारा म्यूकस बनाया जाता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है, नंबर वन। दूसरा, इनके अंदर ये जो म्यूकोसा आप देख रहे हैं इनके अंदर भी दो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैमिना प्रोक्रिया, जैसे कि एग्जांपल एपिथेलियम, उसके अंदर में हमारे वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, फोल्डिंग्स होती है जिनको हम ल्यूकी कहते हैं, और उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मतलब जब आपको म्यूकोसा मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में तब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस टॉपिक को अलग से करेंगे। अभी हमारा ध्यान स्टमक पे होना चाहिए। तो जो चौथी लेयर है स्टमक की उसका नाम है म्यूकोसा। इसमें म्यूकस तो होता ही है, साथ साथ इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड तो होना बहुत जरूरी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी तो ही जाकर हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली पूरा होगा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो स्टमक है वो ऑर्गन्स अपने पार्ट के अकॉर्डिंग तो चार में डिवाइडेड था ही, लेकिन लेयर के अकॉर्डिंग, वॉल्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो स्टमक होता है वो चार लेयर में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आउटर इज सेरस, जो कि आपका पेरिटोनियम है, बाहर के लेयर का बाहर आउटर मोस्ट है। नंबर टू, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर में तीन तरह के मसल्स होते हैं, ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एरियोलर टिश्यू का ये बना हुआ है। इसी के थ्रू ब्लड का कॉन्टेक्ट होता है। ब्लड वेसल्स जितने भी होंगे वो सब आके कहाँ पे स्टेबल है? सब म्यूकोसा में। और नंबर फोर इज म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा पहला काम ये म्यूकस बनाता है जिससे आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे, और दूसरा जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सब किसके अंदर प्रेजेंट है? म्यूकस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक स्टमक, हमने अभी शुरू किया है। इसमें आपको जितने भी लेयर्स है सबका स्ट्रक्चर और सबके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में। उसके बाद आप यहाँ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड देख रहे हैं, जब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड शुरू करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये कंप्लीट करूंगी कि कितने गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बकल कैविटी पढ़ाई, पर सेलिब्री ग्लैंड बाकी है, वो अलग से पढ़ाएंगे। उसके बाद से गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाएंगे, लीवर पढ़ाएंगे, पैनक्रियास पढ़ाएंगे। तो आपका जो ग्लैंड वाला पोर्शन है वो एक साथ होगा। अभी हम ऑर्गन फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टमक आके स्टॉप हो रहा है ड्यूडेनम पर, एंड ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले हम ऑर्गन्स खत्म करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम से स्टोरी। लेट्स गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी विल गो विद लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोनों ही इंटेस्टाइन पढ़ने के बाद ही हम वापस अपनी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पे आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज शेयर द वीडियो एज यू एवर डू। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं वेरी सून विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, टेक केयर।